तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनुज स्टडी पॉइंट। तो यहां पर आप लोग को आज की इस वीडियो में यहां पर बताऊंगा कि क्या मैट्रिक की कॉपियों को मूल्यांकन यहां पर आप लोग को 20 अप्रैल से यहां पर बहुत सारे कार्यालय को शुरू कर दिया गया सरकारी कार्यालय में। तो क्या आप लोग को मैट्रिक की कॉपियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, आज की इस वीडियो में यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग का रिजल्ट यहाँ पर कब अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप लोगों के लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा। आप लोग वीडियो को बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, इनके कारण से आप लोगों को कोई भी फायदेमंद ना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि मैट्रिक की कॉपियों को जांच को 3 मई तक स्थगित। यहाँ पर आप लोग को बता दिया है कि कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस यहाँ पर आप लोग को स्टार्ट कर देना था, लेकिन यहाँ पर आप लोग को स्थगित कर दिया गया है यानी रोक दिया गया है। तो किन कारणों से यहाँ पर आप लोग को रोका गया है, जैसे कि देख सकते हैं बताया गया कि मैट्रिक की कॉपियों को जांच 3 मई तक स्थगित यानी आप लोग को रोक दिया गया है। बिहार बोर्ड यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 3 मई तक लिए स्थगित कर दी गई है। समिति अनंत किशोर ने बुधवार को बताया कि कोरोना की महामारी में लॉकडाउन में स्थिति में समिति को उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन की कार्य 3 मई तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व समिति द्वारा यहां पर आप लोगों को बताया गया है कि समिति के द्वारा मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन 14 अप्रैल तक स्थगित किया गया था। समिति द्वारा इनके बारे में जिला के सभी जिला अधिकारियों को कॉपियों के मूल्यांकन का केंद्र पर केंद्र निर्देशक पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को बता दिया गया है कॉपियों को मूल्यांकन के यहाँ पर आप लोग को 3 मई तक रोक दिया गया है। 3 मई के यहाँ पर आप लोग को बिना इधर अभी कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर 20 अप्रैल से यहाँ पर कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट करना था। बहुत सारे कार्यालय जो सरकारी कार्यालय हैं आप लोग को बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर अनुमति दी गई थी स्टार्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप लोग को बिहार की कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस यहाँ पर नहीं स्टार्ट हो रही है, जिनके कारण से आप लोग को कॉपियों को मूल्यांकन में थोड़ा सा वेट करना होगा। साथ ही साथ आप लोग को रिजल्ट में थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि कॉपियों को मूल्यांकन जिस तरह से आप लोग को किया जाएगा उसमें बहुत ही बेहतर और अच्छे ढंग से किया जाएगा ताकि आप लोग को रिजल्ट सही तरीका से और सही समय पर दिया जाए। तो आप लोग को 3 मई तक यहाँ पर आप लोग को कॉपियों को मूल्यांकन के लिए, और इसके बाद आप लोग को 1 सप्ताह के बाद यहाँ पर रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा, क्योंकि 75% कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस यहाँ पर हो गया है और 25% ही कॉपियों को मूल्यांकन बचा हुआ है। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था आप लोगों के लिए, जान लेना बेहद ही जरूरी था। अगर एक वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।